सभी लड़के एक साथ ताली बजाएंगे। चल चल तरंगा तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। गणतंत्र दिवस का पर्व है, इस मौके पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ये राष्ट्रीय पर्व है, बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग आजाद भारत में सांस ले रहे हैं। पहले गुलामी की दास्तान से हम लोग जकड़े हुए थे, बड़ी कुर्बानियों के बाद ये देश आज़ाद हुआ। आज़ाद तो हमारा देश 15 अगस्त 1947 को हुआ था, लेकिन 26 जनवरी ये जो गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं, ये राष्ट्रीय पर्व होने के नाते बच्चों के अंदर उत्साह जो रहता है, हम उसको जश्न को ऐसा मनाते हैं कि उन अपने वीर सपूतों के उनकी कुर्बानियों को याद करते हैं और आने वाली नस्लों को ये संदेश देते हैं कि आज हमारे पूर्वजों के कुर्बानियों की बदौलत ही हम आज़ाद हैं और हमारे आज़ाद भारत में हमारे द्वारा बनाए गए संविधान, बनाए गए नियम वो लागू हैं और हम उन नियमों के तहत कार्य करते हैं। आज एक अभिनव प्रयोग हुआ है, विद्यालय प्रबंध समिति के हमारे यहाँ एक सदस्य हैं श्री राम मिलन जी, रामदेव यादव जी जो समरी के रहने वाले हैं, उन्होंने बच्चों को जो गृह कार्य दिया गया था उस गृह कार्य पे एक टारगेट उन्होंने दिया था, उस टारगेट को बच्चों ने पूरा किया है। आज प्रथम विजेता को साइकिल इनाम दिया गया उनके पिता के द्वारा, उनके पिताजी यहाँ जयाव प्रसाद मौजूद हैं। दूसरे को एक ब्लेजर कोट दिया गया, तीसरे को पेन और डायरी भेंट की गई है। बच्चा जो 100 से अबव आए थे उन बच्चों को भी डायरी और पेन दिया गया विद्यालय परिवार की तरफ से, और शेष बच्चे जो प्रतिभाग किए सांस्कृतिक कार्यक्रम में उनको भी पुरस्कार दिया गया है। और इससे ये प्रेरणा लेंगे बच्चे, आने वाले समय में पढ़ करके आगे बढ़ेंगे, इन्हीं भावनाओं को लेकर के आज पुरस्कार वितरित किया गया है। ये गणतंत्र दिवस के अवसर पर ये पहला अवसर है जब इस तरीके से ग्राम शिक्षा समिति ने, विद्यालय प्रबंध समिति ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। मैं विद्यालय प्रबंध समिति के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और उन अभिभावकों को जिन्होंने अपने बच्चों को इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए प्रेरित किया और दिन रात मेहनत, उनके लिए शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूँ।